जो परिस्थिति है, सवेरे जो हम माहिती देते थे, सूचना देते थे, आज से ये परिवर्तन किया गया है कि 24 घंटे का अंक एक साथ दिया जाएगा। कल शाम के 5 बजे से लेके आज शाम के 5 बजे तक की माहिती इस तरह से है। आज के कुल पॉजिटिव केसेस 217, आज के मृत्यु 9, आज जो डिस्चार्ज हुए हैं कुल 79, यानी कि 79 लोग हैं जो बिल्कुल ठीक होके वापस घर चले गए हैं। आज के जो केसेस ज़्यादातर जिस ज़िलों से निकले हैं, अहमदाबाद के 151 केस हैं, सूरत के 41 केस हैं, बाकी सब अलग अलग ज़िलों में हैं। और खास आज दो तीन चीज़ें कहना चाहते थे हम। पहली बात तो ये कि आज ये 3000 जितने टेस्ट आज भी किए गए हैं, इसके अलावा रैपिड टेस्ट भी, इसके उपरांत रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी किए गए हैं, तो इसका नंबर जो है 3000 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। आज सिर्फ 13 डिस्ट्रिक्ट्स में से पॉजिटिव केसेस आए हैं। फिर डिस्चार्ज का भी संख्या आज देखा जाए तो बड़े पैमाने में, जैसे टोटल 79 जितने लोग डिस्चार्ज हुए हैं, उसमें से 45 के उपरांत कल बड़ोड़ा में हुए हैं, अहमदाबाद में भी सिविल से 15 जितने लोग डिस्चार्ज हुए हैं, अन्य विस्तारों से भी डिस्चार्ज हुए हैं। अहमदाबाद में खास नोंद पात्र एक घटना ये भी बनी है कि वहाँ 5 ऐसे बच्चे हैं जो 5 से 10 वर्ष की उम्र के हैं, उनको वहाँ के स्पेशल खास अटेंडेंट्स की नियुक्ति की गई है जो उनका देखभाल कर रहे हैं, और उनमें एक 1.5 वर्ष की बालक का भी देखरेख, सेरेलैक वगैरह देख के वहाँ के नर्सेस उस बच्चे के लिए, जिसकी खुद की माँ नहीं है, वो भूमिका भी हमारी नर्सेस अदा कर रही हैं। अब सवाल ये नहीं है कि बाकी देशों के तुलना में हम किस नंबर पर हैं। हम महाराष्ट्र के बाद 2nd नंबर पर हैं, 3rd नंबर पर हैं। ज़्यादा अहमियत इस बात की है जो हम बिल्कुल आज साफ तौर से कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल इस रोग के आक्रामक तौर से इसको हम अटैक करने के मूड में हैं, और इसी अभिगम हमने पहले से अपनाया है कि इसमें जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं, जितने भी संक्रमित विस्तार थे जहां फैलाव हुआ है, वहां हमने प्रोएक्टिवली बिल्कुल एक सघन प्रोएक्टिव घनिष्ठ हमने टेस्टिंग की है। ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, इसका हमने पूरा एक व्यूह रचना, रणनीति अपनाई है। और गुजरात राज्य ने बहुत ही अग्रेसिव तौर पर सघन टेस्टिंग करी, और मार्च महीने के अंत से ही हमने तय किया था कि बाकी वैश्विक तौर पर इस बीमारी के जो रुझान है, जिस तरह से बीमारी फैली है, जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पूरी तैयारी की है। कोविड हॉस्पिटल्स, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री, हमारे माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री श्री, माननीय इन सब के रोज बरोज की हमारी मीटिंग चलती हैं, जिसमें वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, और इस तरह से खूब मेहनत के साथ हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कोविड केयर हॉस्पिटल्स राज्य भर में एस्टैब्लिश किए हैं, और 10,000 उपरांत बेड्स वाले ये हॉस्पिटल्स आज तैयार हैं। अलग अलग ज़िलों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी सुविधा है, सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, और इसमें वेंटिलेटर्स, जिसकी वैश्विक कक्षा पर भी एक बहुत बड़ी कटौती थी, हमने खास यहाँ के एक साहसिक को इनवाइट करके उनके मदद से धमन वेंटिलेटर्स का भी एक नया प्रोडक्शन गुजरात ने पहल किया था, और इसमें आज 150 से भी ज़्यादा वेंटिलेटर्स हमारे पास पहुँच गए हैं अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट में, और इसके रेगुलर सप्लाई बाकी कोविड हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं। हमारा जो पूरा इसमें अभिगम है, हमारी रणनीति है, एक अग्रेसिव आक्रामक तौर से हम इसमें लड़ाई करना चाहते हैं, जिससे कि जहाँ जहाँ भी हॉटस्पॉट्स हों, वहाँ जाके पूरे हमारे फोर्स स्ट्रेंथ के साथ टेस्टिंग करके एक एक केस ढूंढ ढूंढ के निकालना चाहते हैं, जिससे कि उसे ट्रीटमेंट पर रखा जाए, उसको वॉच में, कंट्रोल में आइसोलेट करके, ताकि संक्रमण बिल्कुल न फैले। और ये बिल्कुल पारदर्शक तौर पर, ट्रांसपेरेंटली से हम लोग कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे हज़ारों की संख्या में हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, लाखों की संख्या में ग्राम्य कक्षा, सिटी विस्तार, रूरल एरिया सब में हमारे हेल्थ वर्कर्स, पुलिसकर्मी और जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। और इसका अंजाम ये भी हो रहा है कि हमारे
टीम मेंबर्स में कई लोग इससे संक्रमित भी हो रहे हैं, पर इसकी भी परवाह न करते हुए इस लड़ाई में हम बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने ठान लिया है, हमने एक संकल्प किया है कि बिल्कुल इसको एक अग्रेसिव तौर से लड़ना है। और इसमें जो भी नंबर्स आए, इससे हमें कोई चिंता नहीं हो रही कि नंबर्स बढ़ गए कम हो गए। अगत्य और अहमियत की बात यह है कि सच्चे नंबर्स हमें मिले और उन सब का एक एक करके टेस्टिंग ट्रीटमेंट हम बिल्कुल चालू रखें, जो हम कर रहे हैं। और इस तरह से अहमदाबाद की भी परिस्थिति इस तरह से देखा जाए तो हॉटस्पॉट जो है, खास करके सेंट्रल जोन और सदर्न जोन, इन दोनों में ही ज़्यादा संक्रमण हुआ है। और अगर देखा जाए तो अभी भी 2500 जितने जो केसेस हैं, ज़्यादातर इतने ये सब हॉटस्पॉट्स के ही हैं। 80-85% केसेस हॉटस्पॉट्स में ही निकले हैं, और बाकी जो विस्तार है, पूरा जो विस्तार है, बाकी राज्य भर का विस्तार है, शहर के भी, ये दो जोन्स के अलावा बाकी विस्तार भी है, उसमें 20% से भी कम केसेस आ रहे हैं। तो इस तरह से हम बिल्कुल सच्ची दिशा में, सच्ची मेहनत से, बिल्कुल हमारी रणनीति जो है व्यवस्थित तौर से, ये एक अच्छा लगे डेटा कुछ कम हो, ऐसे बिल्कुल हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, जो सही है। इस तरह से पूरी टीम काम कर रही है। लैब्स की भी जो क्षमता है, 3 शिफ्ट में रात के, पूरी रात सवेरे 5 बजे 6 बजे हमारी टीम, हम लगातार उन सब से बात करते हैं रात के 2-2 बजे तक, और टीम्स बिल्कुल इस पर मेहनत से काम कर रही हैं। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि पूरी कैपेसिटी में टेस्टिंग भी हो रहा है, जैसे आज कहा गया रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट्स का भी यूटिलाइजेशन आज फील्ड में शुरू हो गया है। और सेंट्रल टीम जो दिल्ली से आई है, उन्होंने अहमदाबाद की भी मुलाकात ली है, वडोदरा की मुलाकात ली थी, नर्मदा की ली थी, आज राजकोट से भी उनका जो फीडबैक मिला है, बहुत ही उन्होंने अपने टीम्स की कामगिरी की प्रशंसा की है। और इस तरह से हमारा निर्धार ही है कि हमें दूसरे राज्य करें कि न करें, उसकी चिंता नहीं है, पर हम, हमारे अधिकारी, हमारे जो माननीय CM साहब, डेप्यूटी CM साहब, उनके मार्गदर्शन के हेठर हम बिल्कुल खुद की भी परवाह करे बगैर, संक्रमण हो तो भी हम चाहते हैं कि जो सही काम है, सच्चा काम है, बिल्कुल निष्ठा के साथ पूरी टीम को करनी है, और इस दिशा में हम चल रहे हैं। ज़रूर सबसे कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि जितने भी लोग हैं, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए जो अलग अलग हमने आपको आयुष के उपाय बताए हैं, उसे भी अपनाएं। और ये भी कहेंगे कि आरोग्य सेतु ऐप, ये भी हमारे सुरक्षा कवच के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। अगर हर एक नागरिक इसे अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करे, तो हम इस लड़ाई में और भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल निश्चिंत बन जाएं। जो भी हमें नियम पालन करने हैं, बिल्कुल करने होंगे। इसमें बिल्कुल एक कड़क तौर से हर एक व्यक्ति को योगदान देना होगा, और ये करेंगे तो इस लड़ाई में हम अच्छी तरह से आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।